तंदूरी नान घर में बनाने की ऐसी कमाल की रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिसे देखने के बाद आप यकीन करें आप बाज़ार से नान लाना भूल जाएंगे बहुत ही ज़्यादा इजी तरीका है बहुत ज़्यादा सिंपल है और हमारे नान इंतहा से ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार होंगे कुछ हम लगाएंगे कुकर के अंदर ज़बरदस्त तरीके से और कुछ बनाएंगे हम तवे के ऊपर तो दोनों ही तरीके बड़े ही कमाल के हैं और आप झटपट से ढेर सारे नान जो है ना वो तैयार कर सकते हैं तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं बिसमीम अल्लामक उम्मीद है आप सब ठीक होंगे सबसे पहले तो हमने ले लिया है दो कप मैदा ये कप थोड़ा सा बड़ा है अगर आप इसे मेजर करेंगे तो आप अढ़ाई कप मैदा ले सकते हैं एक चम्मच हमने डाल दी इसमें खमीर यानी कि ईस्ट उसके साथ ही आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं एक चम्मच हमने डाल दी है चीनी तो नान जो हों अगर आप उनको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर डाल दें आधा कप दही अगर आपके पास जो आप जिस कप से आपने मैयर किया है उसी कप से आप डालेंगे तो आधा होगा ये कप मेरा थोड़ा सा छोटा था तो इसलिए मैंने ये थोड़ा सा एक कप पूरा डाल दिया है तो दही से आपके जो नान है हद से ज़्यादा सॉफ्ट और मजेदार से बनेंगे अच्छा थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डाला है बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर नहीं डाला बेकिंग सोडा डाला बहुत थोड़ा सा डाला है ज़्यादा मत डालिएगा उसके बाद आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है इससे नान जो है ना वो बड़े ही मज़ेदार और कमाल के बनते हैं तो आजकल सर्दियों का मौसम है तो अब आपने जब आटा गूँना है ना ये वाला तो आपने पानी गर्म करके गूँधना है बहुत ज़्यादा भी गर्म ना हो लेकिन नीम गर्म जरूर हो ताकि आपका आटा जो है ना इसके अंदर जो हमने खमीर डाला है ना वो अच्छी तरह से फूल जाए अब मैं इसके अंदर तकरीबन तीन चम्मच मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल घी हो या कुकिंग ऑयल जो भी हो आपके पास आप डाल लें डालने के बाद अब हमने इसको दोबारा से अच्छी तरह से गूँधना है और आपने कोशिश करें कि इसको काफ़ी अच्छी तरह गूंदें ताकि जितना आपका आटा अच्छा गूंदा होगा आपके नान उतने ही अच्छे बनेंगे यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है कि आप आटे को सॉफ्ट गूंदना चाहते हैं तो सॉफ्ट गूंद ले। यानी जैसे आप रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं ना बाज़ लोग सॉफ्ट आटे से रोटी जल्दी बना लेते हैं बाज़ लोग थोड़ा सा सख्त आटा जो है वो पसंद करते हैं तो जैसे आपका दिल करे इस तरह से हमने आटे को गूंद के रख लेना है तकरीबन एक घंटे के लिए सर्दियां हैं तो आटा जो है ना वो जल्दी नहीं फूलता तो इसलिए हमने इसको एक घंटे के लिए ज़रूर रखना है थोड़ा सा इसको ढाँप के आप रख दें अच्छा उसके बाद ये घंटे के बाद ना मैंने इसके अब पेड़े बनाने जो है ना स्टार्ट कर दिए एक घंटे के बाद आप देख सकते हैं आटा हमारा अच्छा खासा सॉफ्ट हो चुका है नरम हो चुका है और इस तरह सेम साइज़ के हमने सारे जो पेड़े हैं ना वो बनाकर हमने अपने रख लेने हैं यहाँ पर हमने पेड़े बना लिए हैं और पेड़े बनाकर इसको हमने दोबारा से 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना है ये छोटे छोटे से स्टेप्स है जिसकी वजह से जो नान है ना वो आपके बड़े ही अच्छे बनेंगे अब हमने इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है 10 मिनट के बाद अब हमने इनकी जो रोटियां हैं ना वो बेलनी शुरू कर देनी है यहाँ पर दस से पंद्रह मिनट मुझे हो चुके हैं तो हमारा जो आटा है वो अच्छा खासा सॉफ्ट हो चुका है तो यहाँ से हमने ले लेना है एक पेड़ा उसको हमने लगाना है सूखा आटा और इसकी हमने बेलने की मदद से रोटी बेल लेनी है नान जो है वो थोड़ा सा मोटे साइज़ का होता है तो थोड़ा सा दरमियान से हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा पतला रखें और साइडें जो है ना वो इसकी थोड़ी थोड़ी सी मोटी हों जिस तरह से नान होता है तो हाथों की मदद से भी इस तरह से करके आप इसको थोड़ा सा प्रेस कर सकते हैं इसको सेट कर सकते हैं किनारे हमने थोड़े से मोटे कर लिए हैं और बाकी जो है ना उसको हमने सेंटर से पतला कर लिया है अब पहले तो हम लगाएंगे इसको कुकर के अंदर तो यहाँ पर आपने इसको इस ऊपर हल्का हल्का सा आपने लगा लेना है पानी पानी लगाने के बाद थोड़े से आपने वाइट तिल लगा लेने हैं उसके बाद थोड़े से ब्लैक जो तिल होते हैं मैंने वो इसके ऊपर लगा दिए हैं और उसके साथ थोड़ा सा कटा हुआ धनिया जो है ना वो हम इसके ऊपर लगाएंगे यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा सा ऊपर की साइड गीली है तो हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से ये जो है ना फिक्स हो जाएगा तो जब आप अच्छी तरह से इसके ऊपर धनिया और तमाम चीज़ें इस तरह से आप लगा लें तो आपने इसको उठाना है उठाकर आपने इसको किसी भी चीज़ के अंदर रख देना है यानी कि मैं यहाँ पर मेरे पास है एक ट्रे और ट्रे के अंदर मैंने अच्छी तरह से ये देखे मैंने वाइट आटा जो है ना वो डस्ट किया हुआ है और इसके अंदर मैंने इसको इस तरह रख दिया है सेम इसी तरह से मैंने बाकी तमाम नान जो है ना यानी कि जितने मैंने नान जो है मैंने कुकर के अंदर लगाने हैं उन सबको मैंने पहले से तैयार कर लेना है चार से पांच नान तकरीबन हमने लगा लेने हैं कुकर के अंदर तो ये देख सकते हैं आप मैं इसको पहले से तैयार करके मैंने तमाम नान जो है वो रख लिए हैं अब हम इसको इस साइड से उठाएंगे ये देखें इस तरह से उठाकर हम ऐसे इसको हाथ पर रखेंगे इस ऊपर वाली साइड के ऊपर हमने ना पानी लगाना है ये यहाँ पे पहले इसको नीचे रख लेंगे उसके बाद इसके ऊपर वाली साइड पर पानी लगा लेंगे ये काम आप हाथ के ऊपर भी इस तरह से रख के ना ऐसे भी पानी लगा सकते हैं तो ये है मेरे पास कुकर कुकर थोड़ा मेरा पुराना है तो इसके अंदर बहुत आराम से है अक्सर हम रोटियां लगा लेते हैं तो अब हमने इसको गर्म बिल्कुल नहीं करना आप देख सकते हैं कि ठंडा है बिल्कुल ये क्योंकि गर्म में आपकी रोटियां नहीं लगेंगी तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए तो आपने पहले तो इस साइड पर अच्छी तरह से पानी लगा लेना है उसके बाद आहिस्ता से इस तरह से करते हुए आपने रोटी जो है ना इसके साथ लगा देनी है और अब आपने इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना हाथों की मैंने हल्का हल्का से इसको प्रेस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा प्रेस मत करिएगा वरना नान ना आपके साथ चिपक जाएंगे फिर वो उतरेंगे नहीं अब सेम उसी तरीके से मैं दूसरी रोटी जो है वो भी मैं इसी तरह से लगा रही हूँ ये देखें और इसी मेथड को फॉलो करते हुए मैं बाकी अपनी तमाम रोटियां जो है ना वो इसके अंदर लगा रही हूँ आपने कोशिश करनी है क्योंकि अगर गर्म हो ना ये कुकर तो फिर उसके अंदर रोटी लगाना बेहद मुश्किल है क्योंकि वो हैंडल ही नहीं होता पकड़ा ही नहीं जाता तो लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है हाथ जलने का भी खतरा होता है तो मैंने इसके अंदर चार नान जो है ना आप देख सकते हैं मैंने लगा लिए हैं और इनको लगाने के बाद अब हमने इसको रख देना है चूल्हे के ऊपर यहाँ मैंने फ्लेम जो है वो ऑन कर दी है थोड़ी हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तो जैसे ही दो से तीन मिनट हो, आपको हो जाए हाई फ्लेम के ऊपर तो फिर आपने कुकर के हैंडल को पकड़कर इस तरह से वन बाय वन करके आपने इसकी साइड्स को हल्का हल्का सा ये देखिए इस तरह आप चेंज करेंगे यहाँ पर बबल्स आना शुरू हो गए जिसका मतलब है कि आपके नान जो है ना वो अच्छी तरह से पकना शुरू हो चुके हैं हल्का हल्का सा एक एक मिनट के लिए बस हम इसको थोड़ा सा स्टे देंगे और इस तरह से करते हुए हमने कुकर को उल्टा कर देना है और उल्टा करके यहाँ पे फ्लेम हमारी थोड़ी हाई होगी और दो से तीन मिनट के अंदर आप देखेंगे कि आपके तमाम नान जो हैं जबरदस्त से तैयार हो चुके होंगे तो बस इसको आप किसी छुरी की मदद से या किसी तेज कड़छी वगैरह की मदद से आप इसको उतार सकते हैं ईजिली उतर जाते हैं यहाँ पर दूसरा तरीका है यहाँ पर हमने तवा जो है पहले हल्का सा गर्म कर लेना है नान को आपने बनाना है हाथ से और आपने इसके ऊपर डाल देना है थोड़ा सा पानी ऊपर वाली साइड पर लगाएंगे पहले तो आपने जब रोटी डालनी है ना इसके ऊपर तवे के ऊपर तो रोटी की नीचे वाली साइड यानी कि नान की नीचे वाली साइड के अंदर पानी लगा जरूर हो फिर आपने ऊपर वाली साइड के ऊपर पानी लगाना है फिर आपने तिल लगाने हैं उसके साथ ही इसके ऊपर हमने थोड़ा सा धनिया लगाना है और ये देख सकते हैं आप अच्छी तरह से ये ऊपर से पकना शुरू हो चुका है अच्छे खासे बबल्स जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं बिल्कुल स्लो आज के ऊपर एक साइड को आपने जब पाँच मिनट हो जाए तो फिर आपने इस तरह से तवे को उल्टा कर देना है और आपने नान को सेक लेना है चारों साइडों पर इस तरह से करके इस तरह घुमाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये देखे बन जाए और ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो नान है ना तवे वाला नान वो तैयार हो चुका है तो दोनों तरीक़ों से बनाना बेहद इजी है और बड़े ही ज़बरदस्त सॉफ्ट से हमारे जो नान है ना वो तैयार होंगे ये देख सकते हैं आप माशाला से कितना ज़बरदस्त हमारा जो नान है दोनों साइडों से पका हुआ है सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने बाकी जो नान है वो भी ऐसे ही पकाने हैं पहले आपने इस साइड पर पानी लगाकर फिर तवे के ऊपर डालना है ठीक है ये छोटे छोटे से स्टेप्स जरूर देखा करें इनको जरूर फॉलो किया करें और जब देखें तो फिर आपने इसकी को चेंज करना है हमारे नान के ऊपर कलर आ चुका है किसी चीज की मदद से आप उखाड़ेंगे तो इजीली आपका नान जो है ना वो इस तवे से बाहर आ जाएगा और ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितने जबरदस्त से हमारे तमाम नान जो है वो तैयार हो चुके हैं तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें सब्सक्राइब करें हल्का हल्का सा घी लगा लें या कुकिंग ऑयल लगा लें और ये देखें ज़बरदस्त से हमारे नान तैयार हो गए हैं ये देखें कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं तो ऐसी ज़बरदस्त कमाल की रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विजिट जरूर करते रहें